नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक विशेष कार्य से उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि हम कुछ फेसबुक में कुछ जगह हम लोगों ने प्रचार भी किया है कि हम एक रेमेडीज का शॉर्ट टर्म कोर्स करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रेमेडीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अक्सर कोई कुंडली दिखाने आता है आपके पास में, तो वो यही पूछता है कि सर ये तो बता दिया आपने कि ये ग्रह में आपका प्रॉब्लमेटिक है या इस ग्रह से प्रॉब्लम आपको हो रही है, लेकिन वो ग्रह की शांति कैसे करें, उसका उपाय क्या करें। तो उपाय सबसे मोस्ट अटमोस्ट जो चीज है वो उपाय है कुंडली के अंदर। तो वही मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारे उपाय ऐसे दिए गए हैं, हमारे वेदों में है, सामुद्रिक शास्त्र में है, जहां पे यंत्रों के बारे में, मंत्रों के बारे में, आपके जितने भी रुद्राक्ष के प्रयोग हैं, इन सबके प्रयोग, रत्नों के प्रयोग हैं, सबके बारे में बताया गया है। और वही शिक्षा बेसिकली जो शिक्षा शास्त्र से निकली है, वही मैं चाहता हूं कि आपके सामने लाके मैं दे सकूं। जैसे मैं बहुत छोटा सा एक श्लोक आपको सुनाता हूं। श्लोक में है आरोग्यम भास्करा दीक्षित, यानी आरोग्यम भास्करा दीक्षित मीन्स के आरोग्यता सूर्य देता है। धनम इक्षेतु हिताशन, धन देती है अग्नि। इसलिए कहते हैं कि जब भी सूर्य किरणों को तो आप बारे में जानते ही हैं कि सूर्य किरणें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी मनुष्य के लिए। इवन रेडियोलॉजी जो होती है उसके अंदर भी सूर्य की किरणों का ही काम उसके अंदर मेनली होता है। और जब कोई बच्चा पैदा होता है और कोई उसे बताते हैं कि उसको थोड़ा जॉन्डिस की प्रॉब्लम है या पीलिया की प्रॉब्लम है, तो उसको सूर्य की रोशनी ही दी जाती है। तो सूर्य की रोशनी जो होती है वो आरोग्यता लेके आती है। धन कौन लेके आता है? धन के बारे में इन्होंने कहा है धन निक्षेतु हुताशन, यानी अग्नि, अग्नि धन लेकर आती है। तो अग्नि की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। अब इंपॉर्टेंस कैसे है? या तो हम एक टाइम अपने घर के अंदर जब भी शाम होती है किसी एक समय फिक्स कर लें, आल्दो हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है, एनर्जी को बचाना है, लेकिन फिर भी कोई एक टाइम फिक्स कर लें कि जब आप 15 मिनट या आधा घंटे के लिए सब जगह की लाइट जलाएंगे, सारी लाइट जला के रखिए, वो धन देती है अग्नि, तो वो लाइट जला के रखिए। प्लस हवन घर में करवाते अगर आप रहें, कोई यज्ञ करवाते रहें, कोई अनुष्ठान करवाते रहें या हवन करवाते रहें, तो वो धनदायक होती है। तो अग्नि जो है वो धन देती है। फिर कहते हैं ज्ञानम महेश्वरा दीक्षे, यानी ज्ञान, ज्ञान जो होता है वो भगवान शिव देते हैं, महेश्वर देते हैं। मोक्ष विक्षिते जनार्दना, अब मोक्ष कौन देता है? वो भगवान विष्णु देते हैं। तो ये एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि आपको आरोग्यता के लिए क्या करना है, आपको धन के लिए क्या करना है, आपको ज्ञान के लिए क्या करना है, आपको मोक्ष के लिए क्या करना है। ये सारी चीजें आपको श्लोक के अंदर बताई गई है। और इसी श्लोक पे आधारित बहुत सारे मंत्र, यंत्र, रत्न, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र डिराइव किए हुए हैं, जो हम आपको इस कोर्स के अंदर आपको बताएंगे। और उसमें सब तरह की चीजों के बारे में बताएंगे कि कोई कोर्ट केस हो रहा है, कोई जीतना चाहता है, तो उस कोर्ट केस में जीतने के लिए कौन सा पूजा की जाए, किस भगवान की पूजा की जाए, वो सब चीजें उसके अंदर व्याख्या है उसकी, उसके अंदर। तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोर्ट केस के लिए ही बात आपने करी तो मैं बताता हूं। अब रामायण में हनुमान जी हैं, शायद हनुमान जी के पास कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो राम जी का कार्य उन्होंने सिद्ध ना किया हो, कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसको उन्होंने सिद्ध ना किया हो, सॉल्व ना किया हो। तो यही कहते हैं कि जब कोर्ट केस वगैरह चल रहे हो तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेमेडीज का प्रोग्राम। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप जितनी जितनी संख्या में हो इस प्रोग्राम से जुड़िए, एनरोल कराइए। रेमेडीज का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, करीब 3 से 4 महीने करीब ये चलेगा, 11 से 12 क्लास इसके अंदर हो सकती है। बहुत नॉमिनल फी हमने इसकी रखी है, कुल 4500 रुपीज इसकी फीस रखी है, बहुत नॉमिनल फी है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, सक्सेसफुल बनाइए और आप भी सीखिए शास्त्रोचित उपाय क्या है। बाहर के उपायों से बचिए, शास्त्रोचित उपाय सीखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।